हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आपको है प्यारा सा पॉजिटिव नमस्कार और हम चलते हैं आगे। वैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसके कलर और मेरे बाल का कलर सेम है। ये पेटेंट कराया मैंने, बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ आती है। टक टक करता हूँ तो एकदम कान के पास भी आती है। ये पॉजिटिविटी का वो है, बीकन है ये, एक जैसे कहते हैं ना मार्का है पॉजिटिविटी का, ताकि इसमें से जो आवाज़ निकले वो एकदम एको होके सबके अंदर पॉजिटिविटी आए। जोक्स अपार्ट, मतलब लोग कुछ भी कहते रहते हैं प्यार से तो ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना है यार। मजाक उड़ाते हो तो फिर मतलब ना मैं पंजाबी हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खुशी, जेलर, ओ माय गॉड टू, मस्ताने, ड्रीम गर्ल और गदर टू के बारे में हम बात करेंगे। खुशी के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि विजय देवरकोंडा को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जो डे वन के अंदर दिखी। 15 करोड़ रुपये ही इसने पहले दिन ही कर लेते और 23 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड। आज भी कलेक्शन ठीक ठाक है लेकिन ड्रॉप हुआ है, तो जो पहले दिन की एक्साइटमेंट थी, लगा कि मूवी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं हैं, एक रेगुलर रोम कॉम है, लेकिन फिर भी लोग इसको प्यार दे रहे हैं। तो आज भी डबल डिजिट के अंदर 10 करोड़ रुपए इसने करा, टोटल हो गया 25 करोड़ रुपीज़। तो अच्छा एक कलेक्शन है और लगभग लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो जाएगा आज रात तक। वहीं पर अगर हम जेलर की बात करें तो थोड़ा सा जंप आया है डे 24 वाले दिन, 25% नहीं कितना हो गया, 1 करोड़ था तो मतलब 2.5, तो ढाई गुना इंक्रीज़ हुआ है इसका, तो 32.5 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल है। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 584 है, तो 584 मतलब 16 करोड़ रुपए बचे। ये भी 600 करोड़ में 100% एंटर करेगी करेगी, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। और अच्छे तरीके से इसने अनाउंस भी कर दिया है कि इसकी जो OTT रिलीज है कब है। अगर आपको नहीं पता अभी भी तो मूवी शूवी एक्सप्रेस मेरा दूसरा चैनल है, जहाँ पर हम सिर्फ OTT के फटाफट से एक मिनट के अंदर व्यू पे आपको बता देते हैं, तो वहाँ चले जाना। ओ माय गॉड टू भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, सून इट विल डू 150 करोड़ रुपीज़ नेट। अभी जो इसका टोटल हो गया है वो है 144.5, कल 1 करोड़ रुपए किया था, आज 1.5 करोड़ रुपए किया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो चुका है 209 करोड़, तो बहुत अच्छा है। वहीं मस्ताने की बात करें, ये भी एक स्टडी बिजनेस कर रही है पंजाबी मूवी, डे 9 में 1.25 करोड़ रुपए करें, कल भी 1.25 करोड़ रुपए करे थे, टोटल हो चुका है 19.5 करोड़ इंडिया और लगभग लगभग 37 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ड्रीम गर्ल टू भी बहुत अच्छा स्टेबल बिजनेस कर रही है, कल 5 करोड़ रुपए किए थे, आज 6 करोड़ रुपए करके 77.5 करोड़ रुपीज़ के ऊपर है और आज ये 100 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है, 102 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 103 एक्चुअली के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, ये बड़ी अचीवमेंट है इतनी बड़ी मूवीज़ के साथ रिलीज़ होना और अपने लिए एक जगह बना लेना, मतलब अच्छा ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। वहीं अगर गदर टू की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है, हालांकि मुझे जो आज बिजनेस हुआ उससे थोड़ा सा ज़्यादा की उम्मीद थी। डे 23 वाले दिन इसके 7 करोड़ रुपए हुए, 5 करोड़ रुपए कल हुए थे, तो 487.5 करोड़ जो है वो लगभग लगभग हो गया 494 करोड़ रुपीज़। कल ये 500 करोड़ एंटर कर लेगी और बड़ी बात यह है कि 24वें दिन ये 500 करोड़ वाले मूवी की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगी, विच मीन्स कि ये पठान का 29 डेज वाला रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट ये एक ऐसी मूवी होगी जो 500 करोड़ को फास्टेस्ट अचीव करने वाली हो जाएगी। फॉर श्योर बाहुबली का रिकॉर्ड टूटेगा और ऐसा लग रहा है कि पठान का भी रिकॉर्ड टूट सकता है, धीरे धीरे ये कर लेगी, लेकिन आगे जो सुनामी आने वाला है जवान वाला, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया, वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है और बहुत बड़े नंबर्स उसके ऑलरेडी हो चुके हैं। बात करते करते शायद 12 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग हो चुका है जवान का, तो जब वो खुलेगी तो 125 करोड़ रुपए मेरा एस्टिमेट है वर्ल्ड वाइड पे खुलेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ, ऐसे सारी मूवी चलती रहे यार, खुशी मनाओ, और वैसे भी एंटरटेनमेंट के लिए होता है, दुख मनाने के लिए थोड़ा ना होती है मूवी। बाय बाय।